कट्टर कांग्रेस जी हैं, हाँ मुसलमान हैं, कट्टर कांग्रेस जी हैं। मेरे नाम मुश्ताक अहमद शहनाई बाधक है। हमारे तो कब्रिस्तानों को बेच के खा गए, कुछ नहीं मिला बहन जी। कांग्रेस ने कोई धरातल पे काम नहीं किया। भरतपुर में मेडिकल कॉलेज बीजेपी की देन है। भरतपुर में जितने भी पिछली बार जो सड़क बनी थी वो सारी बीजेपी की देन है। भरतपुर में इंजीनियर कॉलेज जितने भी आए वो सब बीजेपी की देन है। सिमको, डालमिया जितनी भी है फैक्ट्रियां खुलवाई वो सारी बीजेपी की देन है। अरे गहलोत ने तो अपनी सीट ही बचाने के लिए पूरे 5 साल निकाल दिए मैडम। गहलोत जी के बारे में क्या सोचे, वो तो अब एंड है उनका। तो कांग्रेस साहब में दिन भर लोग गोली चल रही है, मर्डर हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं घट रही है, चोरी डकैती। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज़। मैं हूं आप सभी के साथ रंजना उपाध्याय। एचसीएन न्यूज़ आप सभी का स्वागत करता है भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल हम जनता के बीच हैं। आम जनता से जो मतदाता है उनसे सवाल पूछेंगे कि इस बार राजस्थान में वो किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, इनके मुद्दे क्या है। जमीनी हकीकत पर यहाँ के विधायक जो RLD से आते हैं और राजस्थान के मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग, क्या उन्होंने काम किया है, ये सवाल के साथ हम जनता के बीच हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सवाल है कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार होनी चाहिए, आप बताओ। जिसकी कर देंगे हम तो, हमारी इतनी एज हो चुकी है, हमारे लिए कोई काम रोजगार नहीं है। कांग्रेस सरकार आप लोगों का कोई विकास कर पाई? कुछ नहीं कर पाई हमारे लिए तो। हमारे तो कब्रिस्तानों को बेच के खा गए। गहलोत सरकार की योजनाओं का फायदा मिला? हमें कुछ नहीं मिला, हमारी पेंशन तक नहीं बंदी अभी तक। मैं जो कह रहा हूँ मेरे घर में आप जानकारी कर लो। कट्टर कांग्रेस जी हैं, हाँ मुसलमान हैं, कट्टर कांग्रेस जी हैं। मेरे नाम मुश्ताक अहमद शहनाई बाधक है। इस बार आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला बहन जी, 2018 के बाद कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं। इस बार राजस्थान में युवा खासतौर पे किसकी सरकार चाहते? बीजेपी। राजस्थान में किसकी सरकार? बीजेपी की। क्यों? अच्छा काम करती है वो। क्या काम किया बीजेपी ने? बहुत बढ़िया, धारा 370 हटा दी और अच्छे काम करें। और कौन से काम किए? बहुत काम किए। आप लोगों को क्या फायदा हुआ राजस्थान में, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या फायदा हुआ? हमारी बसों के परमिट दे दिए उसने लोक परिवहन के, बीजेपी ने। इस बार किसकी सरकार राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी की सरकार चाहिए, बीजेपी। बीजेपी बीजेपी क्योंकि कांग्रेस की सरकार में गुंडागर्दी है रही भरतपुर में बहुत ज्यादा। हाँ, मर्डर पे मर्डर है, गोली चल रही है, और क्या। तो राजस्थान में बीजेपी क्यों? बीजेपी मोदी जी अच्छे काम करते हैं, और क्या। मोदी जी के कौन से काम अच्छे? बहुत काम अच्छे करे मोदी जी, राम मंदिर बनवा दिया, तुम्हारा 370 धारा हटवा दी, बहुत अच्छे अच्छे काम कराए मोदी। कांग्रेस ने कोई धरातल पे काम नहीं किया। केंद्र में बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने वाली है। बीजेपी की सरकार आएगी। कौन सी उम्मीदें हैं आपको बीजेपी से? भरतपुर से विजय बंसल जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। भरतपुर में मेडिकल कॉलेज बीजेपी की देन है। भरतपुर में जितने भी पिछली बार जो सड़क बनी थी वो सारी बीजेपी की देन है। भरतपुर में इंजीनियर कॉलेज जितने भी आए वो सब बीजेपी की देन है। सिमको, डालमिया जितनी भी है फैक्ट्रियां खुलवाई वो सारी बीजेपी की देन है। एक तरफ मोदी जी आपके लिए संकल्प पत्र लेकर आती है तो दूसरी तरफ गहलोत जी 7 गारंटी लेकर आती है, उस पर क्या कहेंगे? गहलोत ने तो अपनी सीट ही बचाने के लिए पूरे 5 साल निकाल दिए मैडम। बचाई कहाँ है, सीट ही बचाई है, होटलों में उन्होंने सरकार चलाई है। आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल बड़ा आरोप है। होटलों में एक कुर्सी को बचाने, कुर्सी पे चढ़ने का प्लान कर रहा है, दूसरा कुर्सी बचाने का प्लान कर बीजेपी। क्यों उम्मीद है? सरकार बचाई है मुश्किल से, कहाँ कांग्रेस सरकार चली। कांग्रेस सरकार जो अभी तक 2018 के बाद के बात की जाए तो आप लोगों के लिए कुछ किया कांग्रेस सरकार? कुछ नहीं किया, गारंटी योजना है। गहलोत जी के बारे में क्या सोचे, वो तो अब एंड है उनका, तो एंड है, कहानी खत्म है। काम किया? काम तो गारंटी है, अब गारंटी तो हमारी थोड़ी है। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? हम तो बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी क्यों चाहते हैं? गुंडागर्दी कम होगी एक तो। कांग्रेस साहब में दिन भर लोग गोली चल रही है, मर्डर हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, चोरी डकैती सबसे ज्यादा आए दिन, हर महीने में गोलीकांड हो जाता है एक तो इस शहर में। ऐसा कोई सा जगह नहीं है बारागेट में यहाँ पे गोलीकांड नहीं हो रहे हो। हाँ भरतपुर के आसपास, भरतपुर जिले के अंदर हीरादास चौराहे पे 2 जगह गोलीकांड हुआ है और जबरदस्त धाड़े पिस्टल डायरेक्ट गोली चलाई। 3 महीने बाद जमानत हो गई है। डॉक्टर दंपति कांड हो गया, जला उनको दिन दहाड़े मार दिया। पीछे सुभाष कॉलोनी वहाँ पे बाप बेटे मार दिए। लेकिन
गहलोत सरकार ये कह रही है कि हमने जो जनता, आम जनता, खासतौर पे गरीब, उनके लिए हमने सारी चीजें जो सुरक्षा की बातें होती है मुहैया कराई है, हमने बिजली पानी की मुहैया कराई है, सारी चीजें, कोई सुरक्षा नहीं है, खाली वो उनकी वो है झूठे वो है वादे, कोई सुरक्षा नहीं है। आपको किन किन दावों पर भरोसा है? हमको बीजेपी पर भरोसा है, प्रधानमंत्री मोदी संकल्प, ये योगी कर रहा है, यूपी के अंदर कोई घटना घटती है उसको तोड़ फोड़ बराबर, भय तो रहता है गुंडों के अंदर भय तो रहता है, क्या कल को हम किसी को मारेंगे, जान से मारेंगे तो हमारा घर टूटेगा, हमको लंगड़ा कर देंगे, गोली मार। भरतपुर में कौन आएंगे? बीजेपी आएगी, पप्पू हुड्डा, विजय बंसल। देखिए मैडम, आप भरतपुर में विजय बंसल जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, और आप मेरी बात एक चीज और सुन लीजिए, आप कांग्रेस की बात जो कर रही हैं, कांग्रेस में मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं हुई हैं चालू, आप जो कह रही हैं निश्चित मानता हूँ कि कांग्रेस ने योजनाएं की है धरातल पर, लेकिन एक भी सुचारू रूप से चालू। फोन जितने बांटे थे ना उन्होंने, दो चार फोन बांटे, जो विधवाओं को, खाली विधवाओं को, विकलांगों को बांटे, वो भी पूरे नहीं बांटे, और किसी को नहीं, आम जनता को किसी को नहीं पहुंचे। मेरी माँ को मिला फोन, वो खराब हो चुका है, खराब हो गया। इस बार किसकी सरकार राजस्थान में? लेडीज मर गई, मोबाइलों ले ले के चक्कर में चढ़ बैठी, जिनको जरूरत है उनके लिए नहीं मिले, और जिनको ना जरूरत उनके लिए मिले, पूरा नाराज हो गए हैं। हाँ, मोबाइल नहीं बांटे मैडम। तो यहाँ पे खास तौर पे मोबाइल फोन पे भी बड़ा मुद्दा है, भरतपुर में क्राइम को लेकर भी सवाल उठे हैं कि यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि दिन दहाड़े गोलियां चलती है। अब ऐसे में असलियत क्या है ये प्रशासन साफ तौर पे बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे भी हम आपको लेकर चलेंगे भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों के अलग अलग जो मुद्दे हैं वो लेकर आएंगे।